हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 5 नवंबर का लेसन है और डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स हम लेते हैं और उनको आपको फॉलो करना है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के एग्जाम्स के पहले। ये कंपाइलेशन डेली आ रहा है, पीडीएफ भी आपको डेली मिल रही है, तो आप पीडीएफ वगैरह को ज्वाइन भी कर सकते हो और मतलब इन सबको कंबाइन कर सकते हो, जितना सारा जो इंडिविजुअल आता है डेली, और वैसे उनको रिवाइज इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन सारे हैं डेली, 7-8 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं और इनके डिटेल भी दिए हुए हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता है। पेड कंटेंट 159 रुपीज़ पर मंथ में ही अवेलेबल है और काफ़ी हेल्प ये करने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड ये सारा सेशन होता है और हर दिन बेटर वीडियो इसमें आ रहे हैं। इन दो नंबर पर कॉल कर सकते हो, कोई भी इशू है इन पेड कोर्सेज के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी जो पेंडर कोर्स है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ से आप उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पीडीएफ मिलेगा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसके ऊपर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, रिक्वेस्ट आपको जो भेज देना। इंस्टाग्राम पर भी आप जो फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है ओलिगोमेनेट ड्रग जो है वो अभी चाइना ने डेवलप की है, किसके रिगार्डिंग ये होगी? कैंसर के, मीजल्स के, अल्जाइमर्स के, पार्किंसंस के, सारे ही इंपॉर्टेंट है और सबके लिए बड़ी सिग्निफिकेंस है। मीजल्स का वैक्सीन होता आपको पता ही है, उसका बड़ा इशू चल रहा है। कैंसर के रिगार्ड में बहुत सारी ड्रग्स बनती रहती हैं, लेकिन इसका आंसर होगा अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स क्या होता है, आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन और काजोल की, जहां पर वो अचानक कुछ पॉइंट पर एकदम से भूल जाती है सब कुछ, उसकी मेमोरी गायब हो जाती है और कुछ समझ में नहीं आता, उसका दिमाग एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो अल्जाइमर्स एक समस्या है, खासकर जो एजड जो लोग होते हैं, ओल्ड जो पीपल हैं, उनकी समस्या होती है। ब्रेन सेल्स का डैमेज इसमें हो जाता है, उसका कोई नोन कारण किसी को नहीं पता है, लेकिन वो ऐसा होता है। तो उसका इलाज जो है वो बहुत वॉर स्केल पे ढूंढा जा रहा है और ये 2003 से ये ड्रग जो है वो अप्रूव हो गई थी। ये 2003 से पहली ड्रग ऐसी थी जो इसके लिए ग्लोबली अप्रूव हुई थी। अभी होम ग्रोन ड्रग इन्होंने ये जो है ओग्लोमेनेट, जिसको GV971 भी बोल रहे हैं, वो माइल्ड से मॉडरेट अल्जाइमर्स के लिए ये पूरा अप्रूव हो गई है कि ये दी जाएगी। और डिमेंशिया जो होता है, जिसमें मेमोरी लॉस होता है, उसका सबसे कॉमन कॉज ये है, खासकर जो 70+ जो लोग होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट धनुष के बारे में क्वेश्चन है और M777 के रिगार्डिंग है। कल मॉर्निंग में मैंने आपको पूरा समझाया था धनुष के बारे में, ये एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, इसका क्वेश्चन भी पूछा था। एक इशू थोड़ा सा छूट गया था, इसका जो रेंज है वो 36 किलोमीटर का है। इंडिजिनस डेवलप्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने यह बनाया है, OFB ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि एग्जिस्टिंग जो जितनी भी मॉडर्नाइज्ड गन है हमारे पास में, मतलब कि मॉडर्नाइज तो बहुत ही कम है, जो सारी हैं वो 105 mm की है और ये वाली 155 mm की होने वाली है। यही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हम 2 दशकों से ट्राई कर रहे थे और ये हमने अचीव किया है, तो ये अपग्रेडेड वेरिएंट है, इंडिजिनस है। दूसरा जो है M777, ये अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स हैं, जो पहली मॉडर्न आर्टिलरी गन सिस्टम है जो हमने एक्वायर की है। कहाँ से? ये USA से की है। आपको याद होगा जब PIB का सेशन में आपको पढ़ाता था, तब इसका बहुत डिटेल मैंने आपको पूछा था कई बार, तो ये रशिया से नहीं, USA से आया है। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड गलत है इसमें। ये देखिए, ये अपग्रेडेड वर्जन है धनुष, स्वेडिश बोफोर्स का, और 155 mm का इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। 2022 तक इसमें 114 गन्स आ जाएंगी। और दूसरा ये है कि लास्ट ईयर हमने M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स ये भी इंडक्ट की थी आर्मी ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था US से जो हमने लिया था। एक K9 वज्रा टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन जो थी वो हमने साउथ कोरिया से ली थी, तो ये आपको याद रखनी है कौन सी कंट्री से हम क्या ले रहे हैं। S-400 जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वो रशिया से ले रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, लिंगडम मॉनेस्ट्री, अभी प्रेसिडेंट ने इसको विजिट किया था। लिंगडम मॉनेस्ट्री कहां पर है? बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है मॉनेस्ट्रीज के रिगार्डिंग, बुद्धिज्म पे काफी फोकस करता है, तो ये क्वेश्चन रेलिवेंट है। हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में? देखिए, मॉनेस्ट्रीज सारी हिमालयन रीजन में ही है, इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में ये इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्री है, प्रेसिडेंट ने इसको विजिट किया था, ये रंका सिक्किम में है और इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज का सेंटर है बुद्धिस्ट के लिए। और जो जोरमैंग कैग्यू सेक्ट जो होता है, तिब्बतन बुद्धिज्म का जो एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है, उनका इंपॉर्टेंट फॉलोइंग यहां पर है, ठीक है। और इसमें लॉर्ड बुद्धा की एक जाइगेंटिक स्टैचू है और ये आर्किटेक्ट का एक बड़ा नमूना रखता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लिंगना मोनेस्ट्री इसका नाम है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरिएट ने अभी नोटिफाई किया है अफ्सपा के रिगार्डिंग, कि JNK और लद्दाख जो अब यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं उनके अंदर ये लागू रहेगा। अब बात यह है कि इसकी मेन अथॉरिटी होगी कौन, कि इसका इंपोजिशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरह से एक्सटेंड होगा, इसका कौन अथॉरिटी होगा? तो इसका अथॉरिटी देखिए,
ऑब्वियस नहीं बता सकते हो आप, क्योंकि जो LGs है उनको भी पावर दे सकता है, प्रेजिडेंट को भी मिल सकती है, PMO के पास भी रख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा MHA. MHA का भी इशू आया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके रिगार्डिंग एक डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी जो इसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसका इशू बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है और अभी ये स्टेट नहीं रहा है, इसलिए इसका मुद्दा और इंपॉर्टेंट हो गया है. तो प्रेजिडेंट और PMO इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, MHA इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी होगा. तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये इशू है, इसका डिटेल इसमें देख लेना, आपको आराम से मिल जाएगा. 1950 से इंडिया में स्टार्ट हुआ था और 1990 से जम्मू कश्मीर में ये लगातार चल रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया और कौन सा कंट्री जो है जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है पार्टनरशिप ग्रीन अर्बन मोबिलिटी, और ये बस सेक्टर में रिफॉर्म लेके आएंगे. देखिए क्या करेंगे, डीजल की जो बस चलती है उनको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहां पर चलाने वाले हैं. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हालांकि स्टेट के साथ में ये कोलैबोरेशन होगा, लेकिन ये जो एक इनिशिएटिव है वो बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है. तो आपस के बायलेटरल रिलेशंस को भी ये चीज सिग्निफाई करती है. तो इंडिया और जर्मनी, इसका आंसर होगा सी, जर्मनी, उन्होंने मिलकर ये काम किया है. तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन के कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो जर्मनी इसका आंसर होगा, और इन्होंने इंडो जर्मन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी ये स्टार्ट किया है. और वैसे आपको पता होना चाहिए कि यूरोप जो है वो अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जीज के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. सबसे पहले बायोडीजल वगैरह वहीं पर स्टार्ट हुए थे, और इसमें 200 मिलियन यूरोस जो है वो दोनों कंट्रीज इसके लिए रखेंगी, और 5 साल के पीरियड तक ये फंड होगा. एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी और पूरा रिप्लेसमेंट होगा बसेस का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैं. नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे 2, ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है ये आपको बताना है, क्योंकि वाटरवेज नदियों के ऊपर है. पहला तो पता ही है आपको सबको, गंगा नदी के ऊपर है जो वाराणसी से लेकर और हल्दिया तक जाता है. तो गंगा तो इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है स्ट्रेच भी कोई हो, तो स्ट्रेच को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको बताना है. तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कौन सा होगा? इसका आंसर सिंपल है, ब्रह्मपुत्र है. ब्रह्मपुत्र सबसे बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और गंगा के बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर भी मान सकते हो आप इसको. तो वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, 891 किलोमीटर का ये है. बांग्लादेश बॉर्डर जो डुबरी के पास में, वहां से लेकर असम का सदिया जो है, सदिया, वहां तक ये जाता है. और अभी इशू ये आया था कि पहला मूवमेंट जो कार्गो का हुआ है उसके ऊपर, जो कंटेनर जो होते हैं बड़े बड़े, वो इसी वाटरवे 2 के ऊपर स्टार्ट हो गया है. और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स से लेकर जो पांडू गुवाहाटी के पास में है वहां तक जो है ये गया है. तो ये जो गुवाहाटी में जो टर्मिनल भी है IWAI का, जो इम्पोर्टेंट इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी भी है. और इसमें देखिए गंगा के साथ में भी इसका एक इंटीग्रेटेड मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए नदियां सब मिलती ही हैं और पानी का लेवल हमेशा बराबर सा ही रहता है, क्योंकि इतना ग्रेडिएंट है नहीं इनके अंदर, इसलिए ये इंटीग्रेटेड भी चलेगा. तो इसमें देखिए नाम आ रहा है एक इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP रूट का. तो IBP रूट की बात करते हैं, ये देखिए ये बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर ही है, और आपको पता ही है दोनों रिवर्स बांग्लादेश में जाती हैं. गंगा पद्मा बन के जाती है और जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना बन के आती है, दोनों इसमें एंटर करती हैं. सबसे बड़ी बाउंड्री हमारे इंडिया बांग्लादेश की है ही, सारे नेबर्स में इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे बड़ा है, 4063 किलोमीटर का ये बॉर्डर है. तो ये हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है. अब देखिए यहाँ पर ये रूट है और ये प्रोटोकॉल जो डिसाइड हुआ उसके अकॉर्डिंग ये रूट बनाया गया, तो ये उसका इश्यू है. और अभी पहले से कहीं ज़्यादा ये मूवमेंट बढ़ गया है जो वाटरवेज है उनके ऊपर, ठीक है? तो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ट्रेड है वो भी यहाँ पर काफ़ी राइज कर रहा है. और IBP रूट जो है वो कलकत्ता इंडिया से स्टार्ट होता है, जो नॉर्थ सॉरी जो नेशनल वाटरवे 1 है वहाँ से लेकर सिलकाट असम तक जाता है. उसके बाद में रिवर ब्रह्मपुत्र पे जो नेशनल वाटरवे 2 है वो भी उसमें शामिल होता है, और फिर ये बराक रिवर जो है वहाँ तक जाता है. बराक रिवर असम से बांग्लादेश में घुसती है, तो ये सब आपको याद रखना है. नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अंडर आती है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर ये नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आती है. और आपको याद होगा एक इंपॉर्टेंट डीप ओशन मिशन जो है वो इंडिया ने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि एक तो पॉली मेटलिक नोड्यूल जो होती हैं जो समुद्र के बेस पे मिल सकती हैं उनको ढूंढने का एक बड़ा मुद्दा है, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जो ओशन रिसर्च से रिलेटेड हैं और उस एरिया से रिलेटेड है. तो उसके रिगार्डिंग डीप ओशन मिशन है इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसमें इन्वॉल्व है. तो NIOT उसकी नोडल इंस्टीट्यूट होगी, नोडल इंस्टीट्यूशन उसका होगा, ठीक है? तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है. तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा.
यहां पर देखिए 1993 में ही एस्टेब्लिश हो गया था एज एन ऑटोनोमस बॉडी सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और ये निश टेक्नोलॉजीज जो इसमें काम आती हैं ओशन रिसर्च में उनको ये मैनेज करती है। और मैंने जो आपको बताया कि पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जिनको मैंगनीज नोड्यूल्स भी बोलते हैं क्योंकि मैंगनीज भारी मात्रा में उनमें होता है, उनको ढूंढने में और डीप सिस्टम्स जो हैं जो ऑपरेबल व्हीकल्स वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग भी ये बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। और डीप ओशन मिशन का नोडल इंस्टीट्यूशन ये है। तो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे। डिटेल यहाँ पे दे रखा है, डीप ओशन मिशन का भी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग टू समित सैम।